सुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां मेरे। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखा है। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को फूल दे, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिताओं की, दिल से उठी उनकी आहों की, बापू का जब दिल भर आया, बापू जी ने एक नया दिवस चलाया, जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, पूजन दिवस कहलाया। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। कर मोले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, दोनों हाथ ऐसे आगे करके फिर आपने इनको देख के अपने सिर पर रखने हैं। आपने इंदा लक्ष्मी का वास किनका है, बीच में माता सरस्वती का वास, यहाँ मूल में गोविंदा, गोविंदा बोलो ब्रह्मा जी बोलो उनका वास है। लक्ष्मी कितनी इम्पोर्टेंट है, में सरस्वती माता है, सरस्वती माता क्या देती है हमें बोलो, विद्या, विद्या की देवी कौन है, सरस्वती माता। फिर गोविंदा पालनहार हमारा भी यहाँ पे ही है जो हर समय हमारे अंग संग है, तो इसके दर्शन करना आपने, ठीक है, यह करोगे ना आज से आप। आपको राइट से छोड़ा तो 3-10 तक गिनती करके बस ये प्राणायाम स्टार्टिंग से आप शुरू करो, ठीक है, करोगे लोग धीरे धीरे हम आगे भी बताएंगे आपको प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम आपने करना है, पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से आपने इनहेल करना है डीप, फिर उसको राइट से छोड़ना है ऐसे, फिर राइट से ले लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ज्ञान मंत्रों में दोनों हाथ घुटनों पे रखे, गर्दन पीठ सीधी, हमेशा जब भी क्लास में टीचर्स क्लास लेते हैं तो गर्दन पीठ सीधी रखनी है हमें, जब भी याद रखना कि गर्दन पीठ हमारी झुकी हुई ना हो, जो झुकेगा उसको लर्न नहीं होगा, जो सीधा बैठेगा उसको लर्न जल्दी होता है। कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ना हम इस सृष्टि में किसी से नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता नदी है तो माता उनके लिए शीतलता है। बच्चों अगर हम अपनी खाल के जूते बनवाकर अपने माता पिता को भी पहनाएं ना तो तब भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे परम पूज्य बापूजी हमारे माता पिता की महिमा के बारे में। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखा है। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को फूल दे, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आए।
संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ गई। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे हमारे संत शास्त्रों पर पूरी श्रद्धा रखते हुए, हमारे पूज्य बापू जी के बताए रास्तों पर चलते हुए हम अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे। और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने माता पिता पर स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बच्चों अब अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाइए। कुमकुम भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर उनका पूजन किया था। ऐसा करने से उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद सच्चा प्रेम दिवस। परम पूज्य बापूजी द्वारा शुरू किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। Thank you.
बच्चों को भाव विभोर होकर तिलक करेंगे। गुरु जी देख रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं, उन्होंने ये सौभाग्य हमें